महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम अंतर्गत छपरा जिले के छपरा सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज शेरपुर में वन महोत्सव सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सारण जिला प्रभारी मंगल पांडे ने लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में वृक्ष लगाकर इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने आह्वान किया कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। श्री पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि पूरे बिहार में भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मात्र 15% ग्रीन कवरेज एरिया जिसको बढ़ाकर 17% करना है। इसके लिए एक पेड़ एक जिंदगी, जहां हरियाली वहां खुशहाली कार्यक्रम के तहत 1.5 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मौजूद NCC कैडेटों को वृक्ष लगाने और उनका संरक्षण करने का भी आह्वान किया गया। इस अवसर पर सारण जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय, ADM अरुण कुमार सहित तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। छपरा से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। रखा गया है कि 1.5 करोड़ पेड़ हम सब लोग लगाएंगे और बिहार के अंदर जो ग्रीन कवरेज एरिया है उस ग्रीन कवरेज एरिया को भी हम लोग बढ़ाएंगे। अभी 15% ग्रीन कवरेज एरिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि इस ग्रीन कवरेज एरिया में 2% की बढ़ोतरी करनी है। मतलब हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें 15% क्षेत्र में आज जो हरियाली है इसको 17% तक हमको ले जाना है और इसलिए 1.5 करोड़ पेड़ लगाना है। मैं विस्तार से बहुत चर्चा नहीं करूँगा, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन इतना जरूर मैं बताना चाहता हूँ चूंकि यहाँ सब नौजवान बैठे हैं, आप सब लोग पढ़ते भी होंगे और ज्योग्राफी की पढ़ाई भी करते होंगे, एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ते होंगे और व्यवहारिक रूप से भी जो जीवन आज हम सब लोग जी रहे हैं, सभी जगहों पर इस बात की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं कि वातावरण को हमको बचाना है।